टू गाइज मस्ट भी हैप्पी की ओप्स कम्प्लीट हुआ तो हेलो गाइज आई एम हेयर विद टेकिंग फॉरवर्ड द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा ना आई एम डिसकसिंग हाउ टू थ्रो एन एक्सेप्शन सो ऊप्स खत्म हो चुका है और एक्सेप्शन हैंडलिंग पर हम हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कैसे एक एक्सेप्शन हम थ्रो करते हैं जावा में इसको एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे तो जावा में हमने ऑलरेडी देख लिया कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह देखा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देखा और इस सब को ये जैसे कि हमने देखा था कि हम एक नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते तो वो अपने आप ही एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन ट्रिगर कर देता है अगर हम एरे एलिमेंट आउट ऑफ बाउंड एक्सेस करना चाहते हैं तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वो ट्रिगर कर देता है तो हम अपने सेट ऑफ़ रूल्स नहीं बना सकते इसलिए तो जब हमें अपना जैसे कि मैं चाहती हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट की आईडी डी फाइव से ज़्यादा है तो वो मुझे एक एरर मैसेज थ्रो करे तो ये अपने आप से हमारे जावा को तो नहीं पता ना कि ऐसा भी है तो उस चीज़ों के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम थ्रो कीवर्ड देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं थ्रो न्यू एक्सेप्ट न्यू एक्सेप्शन क्लास जो हमने एक्सेप्शन क्लास बनाई होगी और एरर मैसेज जो हम एरर मैसेज डालना चाहते हैं जैसे कि थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन या फिर जिसमें एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है वो uh, पहले से जो क्लास है या फिर क्लास बनाना हम बाद में देखेंगे यूजर कस्टम क्लासेस कैसे बनाते हैं एक्सेप्शन क्लासेस वो हम बाद में देखेंगे जैसे इसमें पहले से ही अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास बनी हुई होती है जो बाई डिफॉल्ट एक जावा में होती है अगर हमें उसे उसी एक्सेप्शन को ट्रिगर करना हो तो हम कैसे करेंगे तो हम इसमें वो चीज़ देखेंगे लाइक uh, like, हम डिवाइड बाई ज़ीरो वाला होता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन अगर हम डिवाइड बाई फाइव वाला अर्थमेटिक एक्सेप्शन करना चाहें तो उसमें क्या होगा वो सब हम देखते हैं तो आइए पहले इस इसको एक एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं डायरेक्ट सपोज कीजिए एक क्लास है थ्रो एग्जाम्पल ओके एक पब्लिक क्लास थ्रो एग्जाम्पल है इसके अंदर एक मेरा एक मेन मेथड है जिसके अंदर मैंने बेसिकली वेलकम टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रिंट कराया है और एक चेक एलिजिबिलिटी मेथड को मैंने कॉल किया है इसके अंदर मैंने टेन और थर्टी नाइन पास किया है स्टूडेंट एज एंड स्टूडेंट वेट ओके अगर मेरे स्टूडेंट एज बारह से कम है और मेरा स्टूडेंट वेट फोर्टी से कम है तो मुझे ये थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसा मुझे एक मैसेज आ जाए यानी कि मेरा ये एक मेरा एरर थ्रो हो जाए एक्सेप्शन का एरर मैसेज ये वाला थ्रो हो जाए नहीं तो मेरा स्टूडेंट एंट्री इज वैलिड प्रिंट हो जाए बेसिकली सिंपली तो मैंने इधर थ्रो कीवर्ड का यूज किया है न्यू लिखा है फिर अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो मेरे पहले से एक क्लास -एक होती है बाई डिफॉल्ट तो वो यूज की है और इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ फिर आप देखिएगा तो देखिए इसमें आया जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन जैसे कि मेरा टेन और थर्टी नाइन था सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कंडीशन यानी कि थ्रो करना था उसे तो इसने दिया स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो इसने ये एरर मैसेज मेरा प्रिंट किया है और इसके बाद ये हेवेनाइज डे तक नहीं गया क्योंकि उसने वो एरर मैसेज थ्रो कर दिया और वो प्रिंट कर दिया तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं ओके okay, अब हम देखते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन में क्या होता है बेसिकली कि हमें क्लास भी खुद बनानी होती है जैसे इसमें हम क्लास उनकी हुई यूज़ कर रहे थे लेकिन हम इसमें क्लास भी खुद ही बनाते हैं तो हम इसको डिस्कस करते हैं तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा इसको हम बोलते हैं कस्टम एक्सेप्शन भी कस्टम एक्सेप्शन भी बोलते हैं हम इसको यूज़र डिफाइंड को बेसिकली हम बोल देते हैं कस्टम ओके okay. तो ये जैसे ये कब ट्रिगर होती है किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं किस तरह से इसको हैंडल करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करते हैं बेटर रहेगा एक एक्सेप्शन क्लास बनाई है मैंने माई एक्सेप्शन इधर कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आप एक्सेप्शन का नाम देना चाहें मैंने इधर दे दिया है बेसिकली माय एक्सेप्शन और ये एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन को ये इसको लिखना ही होगा एक एक्सेप्शन क्लास को इसको एक्सटेंड कराना होगा फिर तो मैंने एक बेसिकली स्ट्रिंग ले लिया और एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाया ठीक है बेसिकली इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने इधर ऐसे भी लिख सकते हैं आप आपको पजलिंग नहीं होनी चाहिए दिस डॉट करके भी लिख सकते हैं Uh, फिर एक मेथड बनाया टू स्ट्रिंग उसके अंदर मैंने रिटर्न करा दिया बेसिकली इस टू स्ट्रिंग का बहुत ही ट्रिकी है ये मैं आपको बताऊंगी कैसे uh, फिर मेरी एक जो मेन क्लास थी एग्जाम्पल मैंने क्लास का नाम लिया हुआ ऐसे ही uh, उसके अंदर मेरा मेन मेथड है ट्राई के अंदर पहले स्टार्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक ऐसे ही प्रिंट कराया कि ट्राई में गया है जस्ट टू मेक श्योर कि वो ट्राई में गया है इसलिए मैंने एक बेसिकली ये प्रिंट कराया था और उसके बाद लिखा थ्रो न्यू एक्सेप्शन दिस इज़ माई एरन मिसिस थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन माई एक्सेप्शन नाम की मैंने क्लास बनाई थी तो इस तरह से इसमें थ्रो होगा ठीक है दिस इज़ माई एरन मिसिस इसको इसके लिए मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली कि कब थ्रो होगा कब नहीं थ्रो होगा बस सीधा सीधा लिख दिया थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन क्योंकि जब भी ट्राई में आएगा थ्रो मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए ही शो किया है फिर मैंने इसको कैच किया माय एक्सेप्शन एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का और एक कैच ब्लॉक में गया है वो मेक श्योर sure करने के लिए मैंने उसे प्रिंट करा दिया और उसके बाद मैंने सिंपली उस एक्सेप्शन को प्रिंट करा दिया अब मैं देखती हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आता है स्टार्टिंग ऑफ ट्राई ब्लॉक फिर कैच ब्लॉक में गया ओके okay. फिर उसने ये वाली क्लास को ट्रिगर किया यानी कि इस कंस्ट्रक्टर में गया कंस्ट्रक्टर में उसने ये सेट किया और टू स्ट्रिंग मेरा ये कॉल हो गया ये कैसे कॉल हुआ ये जो अगर टू स्ट्रिंग नाम का मेथड होगा तो वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है देखते हैं अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो मेरे को क्या प्रिंट होता है आप खुद ही देखिएगा देखिए खाली माई एक्सेप्शन सीधा सीधा प्रिंट हो गया माए एक्सेप्शन इसने जो भी एक्सेप्शन था इसने माई एक्सेप्शन इसकी वैल्यू लेके प्रिंट कर दिया ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी क्लास का नाम प्रिंट कर दिया अब अगर मैं आप कहते कि मैं इसकी जगह कुछ और लिखती तो भी ये माई एक्सेप्शन प्रिंट करता क्योंकि इसको टू स्ट्रिंग का ही मालूम है टू स्ट्रिंग एक मेथड का ही मालूम है अगर मैं इधर टू स्ट्रिंग लिख देती हूँ तो ये उसी को कॉल करेगा टू स्ट्रिंग को तब भी माय एक्सेप्शन अकर्ड एंड स्ट्रिंग मेरी जो प्रिंट होनी थी वो हो गई अब एक चीज और ट्राई करके देख लेते हैं अगर मैं इधर नाम चेंज कर दूँ और इधर नाम चेंज कर दूँ तो क्या होता है तो देखिए इसने इसको कॉल कर लिया बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग को मेथड कॉल हो जाता है अदरवाइज आप बनाना चाहें और उसको कॉल करना चाहें तो वो भी कॉल हो जाता है दिस इज लाइक बेसिक कि अगर टू स्ट्रिंग आपको कॉल करना है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है अगर कोई और नाम लिखते हैं तो आपको उसको कॉल करना पड़ेगा ओके okay, तो इस तरह से मेरी एक आप कस्टम क्लास बनाना कैसे देखने दोबारा आपको बता देती हूँ क्लास अपनी क्लास का नाम वो एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन को उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग नाम का मेंबर स्ट्रिंग टाइप का मेंबर लिया क्योंकि आपको स्ट्रिंग टाइप का मैसेज प्रिंट कराना है फिर आपने उसका कंस्ट्रक्टर बना लिया बेसिकली एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें वो एरन मैसेज उधर से ही आ जाएगा और जब हम उसको थ्रो करेंगे फिर आ, बस बेसिकली यही हुआ ओके okay. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका इसका एग्जांपल और कैसे देखेंगे जैसे मान लीजिए क्लास है मेरे पास एग्जाम्पल वन ओके एग्जाम्पल वन अब इसके अंदर वर्ड ऐसे ही एक मेथड बनाया हुआ है मैंने अगर मेथड पे मुझे वो लगाना है एक्सेप्शन हैंडलिंग लगानी है तो मैं थ्रोज की वर्ड का यूज़ करती हूँ ध्यान रखिएगा थ्रोज़ की वर्ड का थ्रोज और एक्सेप्शन का नाम बेसिकली ठीक है इधर हमने क्या किया था थ्रोज न्यू एक्सेप्शन और इधर थ्रोज एक्सेप्शन का नाम इधर न्यू नहीं लिखा गया है और अगर वेट ये है तो थ्रो कर दो बेसिकली अगर मुझे मेथड पे लगाना है तो मुझे थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करना होगा और ट्राई कैच तो मेरा मेरे मेन मेथड में है ही जब भी मैं प्रोजेक्ट प्रोडक्ट चेक करूँगी अपना सिक्सटी तो ओ, अगर मेरा कुछ एरर थ्रो करना होगा उसको वेट उसका हंड्रेड से कम होगा सिक्सटी हंड्रेड से कम है तो प्रोडक्ट अनवैलिड इनवैलिड आना चाहिए देख लेते हैं इसका एक बार आउटपुट ही देख लेते हैं तो इसने क्या किया कोड द एक्सेप्शन आया कोड द एक्सेप्शन में और एक्स डॉट गेट मैसेज इसने प्रिंट कर दिया एक्स डॉट गेट मैसेज अब गेट मैसेज कहाँ से आया देखते हैं प्रोडक्ट invalid गेट मेसेज अब आ, इसकी जगह अगर मैं टू स्ट्रिंग लिखती तो क्या होता देखिए इस तरह से इसका आउटपुट आ जाता है ओके इसके अंदर मैंने जो इसकी क्लास बनाई थी एक्सेप्शन की उसके अंदर मैंने एक सुपर एस कॉल किया हुआ है सुपर एस का क्या मतलब है कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट एक्सेप्शन एक्सेप्शन का पे, जो एक्सेप्शन क्लास है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल किया हुआ है तो टू स्ट्रिंग में मेरा वो था उसके अंदर मेथड होते हैं टू स्ट्रिंग होता है बाय डिफॉल्ट गेट मैसेज होता है गेट मैसेज में टू स्ट्रिंग में इस तरह से प्रिंट होता है एक्सेप्शन का नाम और वो और गेट मैसेज में मेरा सीधा वही प्रिंट होता है प्रोडक्ट इन इनवेलिड जो भी ये प्रिंट कराना चाहती हूँ मैं उसके पहले इनवैलिड प्रोडक्ट एक्सेप्शन अगर लिखा आना चाहिए ऐसा आप चाहते हैं तो आप टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे यही होते हैं दो टू स्ट्रिंग और गेट मैसेज मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ ताकि आप नोट कर लें ठीक है ये दोनों होते हैं स्ट्रिंग आएगा उधर एक और एग्जांपल देख लेते हैं आप हम हाँ शायद ख़त्म हो गए हैं हाँ इतने ही एग्जाम्पल्स थे तो इससे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का नॉलेज पूरा आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में किस तरह से होती है किस तरह से हम आ, थ्रो करते हैं एक्सेप्शन और किस तरह अपना अपना प्री डिफाइंड Uh, होता है एक तो एक थ्रो हम अपनी तरफ से करते हैं और एक क्लास ही अपनी तरफ से बना लेते हैं उसको बोलते हैं हम यूज़र एक्सेप्शन या फिर कस्टम एक्सेप्शन तो यही था आज की वीडियो में एक्सेप्शन का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है अब हमारी कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक कलेक्शन होगा तो बस जावा ख़त्म होने को ही आई है तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको समझ आ रहा है और आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप टेस्ट प्रेप को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए जावा के ट्यूटोरियल को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा थैंक यू